तो आई थिंक धना सर, और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये जो इंडियन फुटबॉल का क्रेज था, आई थिंक 1960s तक बहुत अच्छा क्रेज था इंडियन फुटबॉल का। 1960s के बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडियन फुटबॉल को हम लोग भूल ही गए? मतलब जो भी लोग हैं वो बात करते हैं 1950 से लेकर 1962 तक फुटबॉल का, बहुत गोल्डन जनरेशन बोला जाता है, तब सईद रहीम सर जो हमारे कोच रहा करते थे, एंड तब हमारी इंडियन टीम को यू नो एशिया की ब्राजील टीम ऐसा माना जाता था, ये टीम इतनी तगड़ी टीम थी। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ इंडिया के साथ कि इंडियन फुटबॉल एकदम मतलब नीचे चला गया? ठीक है, तो देखिए इसमें मुझे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या लगती है, जो पर्सनली हम बातें भी करते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उस टाइम पर ना फुटबॉल को प्रमोट नहीं किया। नहीं की। आप अच्छा देख सकते उस टाइम पर क्रिकेट नहीं था उस लेवल पे, फुटबॉल का सबसे बड़ा गेम फुटबॉल था, जी और हॉकी चल रहा था, हॉकी कंटिन्यूअसली ओलंपिक में गोल्ड लेके आ रहा था, जी तो दो गेम ना पीक पर चल रहे थे। क्रिकेट ऐसा था कि खेला जाता था लेकिन कुछ नाम नहीं था, लेकिन जैसे 1960 का दौर आता है वहां पे फुटबॉल को प्रमोट जो ऐसे ने करना चाहिए था वो लिमिटेड ही रखा। वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, थोड़ा केरल, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा पंजाब, बीच में कहीं फुटबॉल का कोई है ही सीन ही नहीं। तो जी आप खुद सोचिए कि 1960 वाला जो फुटबॉल प्रमोट होना था वो अब 2020 में किया जा रहा है, जी तो अपन कितना पीछे चल रहा आई है। तो ये सबसे बड़ा थिंक कारण मुझे लगता है प्रमोट नहीं किया। हाँ और एक चीज भी मेरे ख्याल से ना, किसी ने आई थिंक थोड़ा क्रिकेट जैसे ऊपर आना स्टार्ट हो गया, किसी ने फिर फुटबॉल पे ध्यान देना हाँ नहीं सोचा मेरे ख्याल से। एंड उसके बाद 1983 में जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप आया, पूरे इंडिया पे वो वर्ल्ड क्रिकेट का यू नो लाइक खुमारी चढ़ गया कि मतलब क्रिकेट के अलावा कोई गेम इंडिया का, किसी के हॉकी पे भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं था जितना क्रिकेट पे ध्यान आया जब 1983 में वर्ल्ड कप जीता। तो आई थिंक एक बड़ा ट्रॉफी जीतना, या एक वर्ल्ड कप ही नहीं एशियन कप भी जीतना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया को। क्योंकि अगर अगर आप पूरे इंडिया में अगर आपको यू नो इसके बारे में फेमस करवाना है फुटबॉल को, तो ऐसे कुछ है कि हमको बड़ी ट्रॉफी जीतनी पड़ेगी? देखो, बड़ी ट्रॉफी जीतना मेन नहीं है लेकिन बड़े स्टेज पे खेलना बहुत जरूरी है। अभी आप सिंपल सी बात देखिए कि अगर क्रिकेट आप वर्ल्ड कप में ना देखें तो पता है क्रिकेट क्यों देखेगा कोई? तो जी सिंपल है ऐसे, आप वो जो आप बोलेंगे ना कि जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज को देखते हैं, जी नाइजीरिया या कुछ भी, वो जी एटलीस्ट उस स्टेज पर परफॉर्म तो करने आती है, तो वहां के हाँ लोगों को कुछ तो है कि भाई हमारा कुछ तो हो रहा है, ठीक है, हो जी सकता है करियर भी अच्छा बन सकता है, जी तो वो एक लग कर, इसलिए वो हमारा जो टारगेट है कि एटलीस्ट एशिया कप में हर बार जाए तो वो एक रहेगा, और बड़े बड़े जो टूर्नामेंट के इन्विटेशन आते हैं उसमें भी जाए, क्योंकि क्या होगा कि एक वर्ल्ड फुटबॉल को थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी कि इंडिया भी आ रहा है आगे, जी तो जो बाहर के बिजनेस टाइकून है वो शायद आ जाए, इन्वेस्ट करने आ जाए, जी तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो इसलिए अपने को बाहर तो खेलना ही चाहिए, मतलब जितने भी इन्विटेशन, अभी जो वेस्ट एशियन का हमको जो रिजेक्शन मिला है वो अगर मिल जाता तो अच्छी बात होती, बहुत अच्छी बात तो होती। इस टाइप के जितने भी आते। हाँ जैसे कोपा अमेरिका भी कभी आते अपने को, भले वो हारेंगे वगैरह अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वहां जाए और दिखे तो कि ब्राजील के अगेंस्ट इंडिया है, अर्जेंटीना के हाँ अगेंस्ट इंडिया है, तो एक वो फैन लोगों को जो होता है ना कि यार हमारी टीम, जी वो फैक्ट पहली बात है कि अगर वो अंदर से आने लग जाएगा तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लग जाएगी कि लोग टीवी में जब भी खोलते हैं तो हमको दिखता है अर्जेंटीना, ब्राजील, जी इंडिया दिखता ही नहीं है, वो बहुत मैटर करता है, वो वो बहुत मुश्किल ज्यादा रहेगी। मैटर करता है। जी एक मेरा मेरा धनराज सर से एक क्वेश्चन है कि इसमें AIFF का तो मतलब जो अभी स्टेप ले रहे करंटली वो तो सही डायरेक्शन में है, लेकिन आपको क्या लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना रोल आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन अगर फुटबॉल को आगे ले जाना है तो काफी ज्यादा जरूरत है। अब देखिए हॉकी में सिर्फ हमने देखा है कि एक ओडिशा ने एक इनिशिएटिव लिया, और मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर और उन एरिया में देखे तो उन लोगों ने किस तरह से वहां पे क्या बोल सकते कि खड़ा कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो नो डाउट केरला वेस्ट बंगाल वो गवर्नमेंट तो ध्यान देगी, लेकिन जिस पॉकेट में आपने जैसे बोला कि हमारा गुजरात MP की वहां पे इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वहां पे आप किस तरह से देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए इसमें अगर आपको फुटबॉल को और ज्यादा बड़े स्केल पे करना है तो? देखो सबसे पहले एक अंदर की बात कि जो स्टेट गवर्नमेंट में अपने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं, जो स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन में जो ऊपर बैठे हुए ऊपर के ऑफिसर, उनसे नीचे के कोई खुश नहीं है, ठीक है, लेकिन बोलते नहीं क्योंकि बोलेंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। जी तो पहली बात बोल तो जो आपस में ही जो एक हायरार्की बनी हुई है नीचे से ऊपर तक, उसमें पहले तो आपस में लोग खुश नहीं है। फिर दूसरा है कि
स्टेट एफए के खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बोले थे ना, कि क्या करना चाहते हैं, उनके क्या विजन है, वैसे एफए में सबमिट करना था। अब वो तो उन्होंने बताया नहीं है पब्लिकली कि हमारे क्या विजन है, जो एएफएफ ने तो सीधे उनके बता दिए, लेकिन स्टेट एफए की भी अपने अपने पर्सनल होंगे कि जी वो क्या करना चाहते हैं। अभी जैसे हमारे स्टेट एफए की बात करें, जितने भी जो नए अभी बहुत कम है, जैसे यूपी एमपी गुजरात राजस्थान इनकी बात करते हैं हम, तो यहाँ के स्टेट एफए का आप देख सकते हैं, आपको कंटिन्यूअसली आपको स्कैम ही दिख रहा है। ठीक है, कोई डेवलपमेंट जैसा कोई कोई प्रोजेक्ट हो उनके पास, या कोई लीग कराने के लिए कोई मतलब सिस्टम हो कि हाँ ऐसे लीग होना चाहिए, ऐसे टीम निकलेगी, ऐसे प्लेयर डेवलपमेंट होगा, कुछ नहीं है। तो अभी सबसे मेन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट तो एक वो है कि वो एक हेल्प कर सकती है स्टेट एफए की, अगर वो चाहे कि आप हमारा कुछ फाइनेंस भी कर दीजिए, हमारे पास ये कुछ प्लान है, तो वो करेगी, लेकिन मेन काम स्टेट एफए का ही है। स्टेट गवर्नमेंट तो आप देख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी आपको पता है खेलो इंडिया के लिए, हमारे एमपी में खेलो इंडिया होस्ट हो रहा है, उसके लिए 300 करोड़ का फंड दिया है। ठीक है, जी अब वो स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया है। ठीक है, अब आपको जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर और जिनका भी काम हो उनको कैसे यूज करेंगे, तो उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को आप सीधे गाली नहीं दे सकते, वो तो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन आप रेडी कितना करना चाहते हैं जो ऐसे में बैठे हैं, पहली बात। जी। और एक बात निकल के आ रही थी, पता नहीं मुझे सच है या झूठ है, क्योंकि मैंने खेलो इंडिया के गेम्स नहीं देखे, बट उसमें की जो स्कोरबोर्ड्स वगैरह है या फिर जो भी चीजें हैं वो एक्सेल शीट पे दिखाए जा रहे हैं। मैचेस आई थिंक दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हो रहे हैं, बट फिर भी एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में अप्रोच करने के बदले आप जब ऐसे चीजें करते हो। आई थिंक इस मामले में एएफएफ ने जो इस बार कदम लिया है, जो अभी हीरो यूथ लीग दिखा रहे हैं या फिर ये जो संतोष ट्रॉफी चल रही है, आई थिंक बेहतरीन मेरे को मतलब लगता है कि ब्रॉडकास्ट वो कर रहे हैं, मतलब मजा आता है देखने में। मैं अभी कल वो देख रहा था हीरो यूथ लीग का जो सेमीफाइनल था, चेन्नई एफसी वर्सेस क्या बोलते दिल्ली का जो सुदेवा, जी जी सुदेवा, वो भाई मतलब मजा आता है इस तरह के। आई थिंक हीरो यूथ कप तो मेरे को लगता है कि काफी मतलब इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट रहा है, जिस तरह से भाई पूरा टेलीकास्ट वाइज भी देख लिया, जिस तरह से खेल भी हो रहे, मजा आता है मतलब देखने में कि भाई हमारे लड़के भाई अंडर 17 के लड़के इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहे। तो आई थिंक एएफएफ ने जो ये कदम लिया है कि आप एटलीस्ट मैच दिखाओ तो सही, चलिए चलिए 100 लोग देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे, लेकिन भाई देखने बंदे आते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का फुटबॉल का टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, अंडर 17 करवा रहे हो, अंडर 15 करवा रहे हो, बंदे देखने के लिए है। लेकिन आपके पास पहले क्या थे कि हम भाई जो इंडिया नेशनल टीम का भी मैच होता था वो भी हमें क्या बोलते थे इलीगल लिंक से ढूंढना पड़ रहा था। तो अब ये अच्छा हो गया है कि भाई एटलीस्ट ये लोग इसको सही तरीके से टेलीकास्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये एक पॉजिटिव मेरे को लगा है स्टेप। बहुत अच्छी बात कि इस बस इस चीज से मुझे याद आया धना सर। और एक बात होती है ना कि आप देखो, हमने आई थिंक लास्ट 4-5 ईयर्स में अंडर 17 की जो हमारी टीम है, या अंडर 16 की हमारी टीम है, या अंडर 20 की हमारी टीम है, उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए। हालांकि हमने बहुत मैचेस हारे हैं, बट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे निकल के आए हैं। बट जब वो ISL में खेल रहे हैं तो उनका थोड़ा सा गेम प्ले ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा मतलब जो जो अंडर 17 में हमको देखने मिला, अंडर 20 में हमको देखने मिला, उस मतलब वो सेम लेवल का गेम प्ले नहीं है। ठीक है, मानता हूँ कि सामने के प्लेयर्स बड़े होते हैं, फिजिकलिटी की अलग यू नो चीज है, फिजिकलिटी भी होती है, टेक्निकली भी बहुत अलग होते हैं वो लोग, बट स्टिल एटलीस्ट जो पोटेंशियल है उनका वो ऊपर जाने से नीचे ही जा रहा है। अब जैसे एक प्लेयर हो गया कोमल थट्टल की बात करता हूँ, आजकल कोई पूछता नहीं कोमल थट्टल को, जैसे और एक 2-3 प्लेयर्स हैं, जैसे अभी और एक जो गिवसन सिंह था वो भी बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा निकल के आएगा, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलेगा, वो भी थोड़ा सा यू नो ऐसा लग रहा है कि अभी वो सेम नहीं रहा। उसमें और एक नाम आता है स्टालिन का, मुझे स्टालिन से भी बहुत हाई होप्स थे, बट वो भी सेम गेम नहीं रहा उसका। तो ये क्यों ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, मतलब प्लेयर में एक प्रॉपर कोच क्रोचिंग नहीं मिल रही उनको, या फिर कैसे मतलब? हाँ, तो देखो जो मैं बोल रहा था कि मैच एक्सपीरियंस की बात है, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज देखी थी कि जैसे कोमल थट्टल उस टाइम पे उनको मेरे ख्याल में ज्यादा और आई लीग खेलना था या किसी छोटे क्लब में जाना था, उस टाइम उन्होंने 80 के साइन कर लिया था। ठीक है, अब 80 के में इतने बड़े प्लेयर थे तो स्वाभाविक से था उनको उतना वहाँ पे मैच टाइम मिला नहीं, फिर भी जितना उनको मिला वैसे बहुत कम मिला था वहाँ पर, जो कि उस एज में बहुत मतलब कि नीड थी गेम टाइम बहुत ज्यादा की, मतलब फुल टाइम मिलना चाहिए था, 90 मिनट्स गेम्स वगैरह, ऐसे जितने भी अंडर 17 के प्लेयर्स की बात करें तब, तो वो एक चीज। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे आप आज अपुया को देखो, जी अपुया इंडियन एरोज में खेला, इंडियन एरोज के बाद नॉर्थ ईस्ट में गया, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर गेम खेले, मुंबई सिटी में आप देखो आप पूरा प्रॉपर गेम टाइम मिलता है, अच्छे से। तो ऐसे जितने भी आप 3-4 प्लेयर्स को देखोगे, वो प्लेयर्स ने क्या किया, थोड़ा सा एक होता है ना कि सही क्लब्स चूज करना, उनके एजेंट्स क्या पिक कर रहे हैं कौन सा क्लब, क्योंकि होता है कि आप अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल लियो, आप एक सेलिब्रिटी हो,
आपको हर बड़ा क्लब चाहता है क्योंकि आपने उधर अच्छा तरीके दिखाया, जी लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे को वहाँ गेम टाइम मिलने वाला है कि नहीं, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ी परेशानी है। हर प्लेयर सोचता है मैं इटी के मोहन बगान में चले जाऊँ, मैं केरला ब्लास्टर्स में चले जाऊँ, फिर वहां पे जाके बेंच पे बैठ जाए, जी तो बेंच पे बैठ गया तो मतलब फिर बस आप पैसे ही कमाने आ गए, आपका गेम खेलना का तो रह गया, ये तो बात ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुझे है बड़ी प्रॉब्लम यही लगती है। जी। तो आपको क्या लगता है, अगर क्या कोमल थट्टल अपना पोटेंशियल छू पाएगा अगर उसको गेम टाइम मिला इन फ्यूचर, या फिर अभी मतलब अभी जैसे उसको गेम टाइम तो अभी बहुत कम ही मिल रहा है अभी, लाइक पिक्चर में इवन ही इज नॉट इवन इन द पिक्चर राइट नाउ, तो क्या फ्यूचर में कुछ देखने के लिए मिलेगा हमको कोमल थट्टल ने अपना पोटेंशियल ठीक से छू लिया एंड अच्छा खेल रहा है वो, या फिर एक इंडियन नेशनल टीम में वो कमबैक कर रहा है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है फ्यूचर उसका? तो कोमल खट्टल का तो अभी मैं उतना प्योर नहीं बोल सकता क्योंकि हमने उनको इतना मिस कर दिया है अभी इंडियन फुटबॉल के स्टेज पे कि कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन अदर प्लेयर्स का आप बोलेंगे तो उनको हम देख सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं एक बहुत अच्छे प्लेयर थे जिनको सब लोग मिस कर रहे हैं आजकल, विद्यासागर सिंह आपने सुना होगा। विद्यासागर सिंह, यस हाँ, तो यस विद्यासागर सिंह ने मुझे आईलैंड में परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद वो ने बेंगलुरु एफ सी साइन किया है, इंजरी हुई और उसके बाद से फिर वो केरला ब्लास्टर्स में गया है, जी, लेकिन अभी कहीं पे दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहे तो हैं। बहुत सारे प्लेयर्स थे, तो कोमल खटाल का मुझे ऐसा लगता है कोमल खटाल को जैसे अभी तो जमशेदपुर एफ सी अभी इंजरी भी थी कोमल खटाल को, तो अगर वापस आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनको कहीं लोन पर ऐसे क्लब में चले आना चाहिए जहां पर बहुत स्टार प्लेयर्स ना हो ताकि उनका गेम जो है वापस स्लो में आए, और फिर ये भी उनका पोटेंशियल तो है प्लेयर में, आपने देखा कि पोटेंशियल तो है जी क्योंकि जी बहुत तो जब वो खेलते हैं तो उनकी विंग पूरी चलती है, तो मुझे लगता है कि वही है, अगर थोड़ा सा मतलब एक सीजन की बात होती है, एक सीजन अगर उन्होंने अच्छा खेल लिया, अच्छे मैचेस मिल गए, लगभग 20 मैचेस भी ढंग से खेल लिए तो वापस आ सकते फॉर्म में। जी, क्योंकि बहुत लोग जब क्योंकि अभी थोड़ा सा आईएसएल से मैं दूर रहा हूँ, बट मैं जब आईएसएल प्रॉपरली हर मैच में फॉलो कर रहा था एक दो साल, आई थिंक कोविड से पहले तक मैं हर मैच में देखता था, एंड तभी मुझे बहुत सारे ऐसे में कमेंट्स देखने के लिए मिलते थे कि यार कोमल थट्टल थोड़ा सा लेजी है ऑन द बॉल, कभी कभार ओवर डू करता है थिंग्स को, कभी कभार उसको एक सिंपल पास देना है बट ही गोज फॉर ग्लोरी। तो आई थिंक ये भी एक चीज होती है ना, कभी कभार कोच देख लेता है आपको, लाइक आप उनको जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हो एक प्लेयर को एंड ही इज नॉट डूइंग दैट ऑन द पिच, तो जरूर वो भी आपके यू नो करियर को हैम्पर करता है एक एक और दो तरीके से। देखो ये चीज तो है, अब देखो ये भी होता है कि कोमल खटाल जो है फॉलो करते नेमार को, ठीक है, अब वो थोड़ा सा ट्राई करते कि वो उनके तरह खेल के दिखाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हर टेक्टिक्स में वो चीज चल नहीं पाती है कि कभी कुछ और रहता है, तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जब जब वो खेले तो 19-20 दिखते हैं कि किसी मैच में बहुत अच्छे चल रहे, किसी मैच में हाँ कुछ भी नहीं चल रहा, किसी मैच में बहुत ही बेकार खेल रहा है, जी तो ये एक चीज है उनकी। तो अगर वो ये है कि कोच देखो कोच के अकॉर्डिंग एकदम तो नहीं खेल सकते हो, जी अगर वैसा खेल लेंगे तो फिर वो अपना उनका गेम ही चेंज करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनका जी गेम है बॉल ड्रिबल करके बॉल होल्ड करके खेलने वाला, जी जी तो फिर वो एक है कि उनको या तो थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा या फिर ऐसा खेल के एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखाना पड़ेगा। जी हे गाइस, आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया, ऐसे और भी एपिसोड रिलीज होंगे जल्द ही जिसमें हमने इंडियन फुटबॉल को बहुत डीपली कवर किया है। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस पॉडकास्ट को लेके तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई किसका इंतजार है आपको, जल्दी सब्सक्राइब करो। मैंने नीचे धनराज सर एंड हिरन भाई का चैनल की लिंक्स भी डाली है तो उनको भी चेकआउट करना मत भूलना। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद जय भारत।